हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। और ये देख सकते हैं आप, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये दो शिमला मिर्च ले लिए हमने, इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसे इसका बीज हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसे हटा देंगे और इस तरह से शिमला मिर्च को कट कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं, हमने बड़े पीस कट किए हैं। और ये हमें बीज का पोर्शन है, जो बीज वाला वो सभी निकाल देना है। और इस तरह से कट कर लेंगे। और एक ये शिमला मिर्च हमने इस तरह से काटी है, आपको जिस तरह सही लगे उस तरह काट सकते हैं। और इस तरह सभी शिमला मिर्च को हमने कट कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, क्योंकि हमें शिमला मिर्च को अपने तलना है। और साथ ही हमने टमाटर और लहसुन और प्याज और हरी मिर्च काट के रख ली थी। ये 2 टमाटर हैं और 1 बड़ा प्याज और 4 से 5 लहसुन की कलियां और 4-5 ही होंगी हरी मिर्च। और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। ये हमारे शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब इसे निकाल लेंगे। इस तरह से सभी शिमला मिर्च को हमें निकाल लेना है। और ये देखिए, शिमला मिर्च हमने सभी निकाल ली हैं। और उसी कढ़ाई में हमने जीरा और हींग डाल दिया है और उसी में डालेंगे अब ये प्याज और इसे भी सॉफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद डालना है हमें लहसुन और हरी मिर्च और इसे कर लेंगे सॉफ्ट। और उसके बाद डालेंगे हम कुछ मसाले इसमें। ये डाल दिया है हमने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे दोस्तों कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसे भून लेंगे। और अब डाल दिया है हमने टमाटर और इसे भी सॉफ्ट कर लेंगे। और दोस्तों हम डाल देंगे अपना नमक, जिससे हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। और जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हमें इन्हें मिक्सी में पीसना है दोस्तों। ये देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसे कर लेंगे ठंडा। और ठंडे होने के बाद हमने मिक्सी में पीस लेना है। और गैस पे रखी है कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल और दोस्तों वो दिखा नहीं पाए। उसके बाद उसमें डाल दिया है हमने टमाटर की प्यूरी और ये प्यूरी हमारी पक चुकी है, इसमें उबाल आ चुका है। अब डाल देंगे हम अपनी शिमला मिर्च और इसे 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे।
और बस हमारी शिमला मिर्च बनके तैयार है। अब इसमें डाल सकते हैं धनिया, हमने धनिया नहीं डाला है, हरा धनिया। और इसी तरह से हम पका लेंगे, सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है दोस्तों, क्योंकि हमारी प्यूरी भी पक चुकी थी और शिमला मिर्च भी हमारी सॉफ्ट है जिसे हमने तल लिया था। और ये देखिए हमारी शिमला मिर्च बनके तैयार है। इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।